हेलो फ्रेंड्स, असी सोशल मीडिया के उपर एक वीडियो देखी जिस दे विच विदेशों विच रहिंदे पंजाबियों तो मदद की गुहार लगाई गई है। तो इत सू महसूस होया कि विदेशों विच रहिंदे पंजाबियों ने बहुत कुछ करते हैं जिदा असी कानून के तहत प्रेस के विच जवाब नहीं दे सकते। तो असी अज इस वीडियो के राही पंजाब के निवासियों दसना चाहांगे कि विदेशियों ने की कुछ किया है और पंजाबी लोगों ने उहदा की इनाम दिता है। इतने आप सारे पंजाबियों की गल नहीं करते, पर कुछ पंजाबी ऐसे है जो विदेशों में जाके ये कुछ कर देंगे। तो आज की वीडियो तुम्हें ध्यान ना देखने वाली है, तुम्हें वधिया इनफॉर्मेशन मिलेगी। विदेशों में की है, इलेक्शन के टाइम पढ़े लिखे समाज सेवक और साफ सुथरे करैक्टर वाले पोलीटिशियन की चोण की जाती है। वोटों वाले दिन कोई छुट्टी नहीं होंगी, सारे परसन अपनी जॉब तो आके रात को 8 बजे अपनी वोट पा के आते हैं। किसी को वोट पाने के लिए कोई लालच नहीं दिता जाता, साफ सुथरी सरकार बनती है। बट इंडिया खासकर पंजाब देखे ही होगा कि इलेक्शन का टाइम किवें दा हुंदा। जिहड़े बंदे नूं चुनिया जाता है वह परसन नूं धक्के ला के चलाया जाता है, 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड दिते जाते हैं। तो तुम खुद से सोच सकते हो कि जो पोलिटिकल सिस्टम है वह विदेशों का अपने इंडिया या पंजाब का किस तरह। जिहड़े पंजाब के नौजवान लड़के ते लड़कियां ने उन्हां वास्ते 2015 तो स्टडी वीज़ा जिहड़ा है वह स्टार्ट किया गया है, लेकिन जिहड़े बच्चे उत्थे पहुंचे ने उन्होंने उत्थे की कुछ किया है। ब्रह्मटन अते सरी शहर के विच लक्कड़ के डंडे अते क्रिकेट बैट जिन्हां दी कि कनेडा दे विच कोई सेल भी नहीं हुंदी, उहदे नाल उन्होंने लोगों दीआं गड्डियां दे शीशे भन्ने। अते जो नाम डिकलेयर किया गया तो कौन, पंजाबी लोग। सारे पंजाबी लोग नहीं करते, बट कुछ लोगों ने अपना यहो जी गलतियां करके इतने पंजाब के लोगों का अक्ष खराब कर दिता है। कनेडा दे विच कोई दिन ऐसा नहीं लंघता जिस दिन गोली वगैरह ना चलती हो, फायर करके नौजवानों को मार दिता जाता है। जो नाम डिकलेयर होंदा है तो पंजाबी सूट या पंजाबी लोग। कनेडा दे विच की है, 60-60 लाख रुपया लगा के वर्क परमिट लैके कनेडा जा रहे हैं लोग, लेकिन उत्थे जाके की कर रहे ने, ट्रक भर भर के अमरीका तो कनेडा नशा लैके आ रहे हैं, जिदे नाल की हो रहा है लोकल कम्यूनिटी का अक्ष खराब हो रहा है। कनेडा की जी सैलरी मिलती है वह प्रति घंटे के हिसाब न मिलती है, जिड़ी कि घट तो घट 800 रुपया प्रति घंटे के हिसाब न होंगी है, लेकिन जिहड़े पंजाबी लोग ने की कर रहे हैं उत्थे जॉब करन दी बजाए चौंकां दे विच खड़ के एग्रीटेशन करते हैं। इत्थे इन्ना दसना चाहांगे कि जिहड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है वह इंडिया दे विच रह के ही सॉल्व हो सकती है, कनेडा दे विच नहीं। इस तरह करके अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुसीं इस टाइम नूं अपनी नौकरी करके पैसे कमाउण दे विच, इनकम वधाउण दे विच लगाओ। कनेडा दे विच की है, उच्ची आवाज़ दे विच गाने लगा के गड्डियां चलाना मना है, लेकिन जिहड़े पंजाबी स्टूडेंट गए हुए ने लड़के लड़कियां वह कनेडा दे विच गड्डियां दे विच उच्ची गाने लगा के गेड़ियां लगाउंदे ने, जिहदे नाल की है उहनां दा अक्ष खराब हुंदा जा रहा है ते लोक उहनां नूं आवारागर्दी कहिंदे ने, जो कि गलत है। कनेडा दी सरकार ने जिहड़े स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट जांदे ने उहनां लई काफ़ी कुछ कीता है, तो वो बदले स्टूडेंट ने की किया। पिछले तुम देखा होगा कि 40,000 स्टूडेंट्स TR2 PR प्रोग्राम सरकार दे ले, सरकार वालों लिया गया, जिदे विच सिर्फ लगभग 6,000 स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट ऑफ कनेडा का टैक्स भरया। जे बाकी स्टूडेंट ने उन्होंने इमीग्रेशन कंसलटेंट के नाल मिलकर अपनी फाइल लगवाइया ने अते गवर्नमेंट ऑफ कनेडा का टैक्स पे नहीं किया। इहदे नाल की है कनेडा सरकार का लखां डॉलर का नुकसान होया। इवन के इत्थे भी दसना चाहांगे कि जिहड़े कंसलटेंट ने उन्होंने यह काम घर बैठ के किया है अते सरकार दे कोलों $2,000 पर परसन अते ऑफिस का जिहड़ा किराया वह भी वसूल किया है। इहदे नाल सरकार का कितना नुकसान होया तुसीं खुद अंदाजा लगा सकते हो अते दस सकते हो कि यह गलत है या सही है, तुसीं इहदा फैसला खुद लै सकते हो। कनेडा दे विच की है, कारां अते मोटरसाइकल तुसीं
ਸਲੰਸਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 6-6, 7-7 ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਏ ਗਏ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.cic.gc.ca, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, +1604-765-5008। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਡੇ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9882-95-000। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।